कुर्ला के लोगों को मिलेगी फ्री में दवा और ब्लड टेस्ट भी होंगे फ्री में। 145 किस्म के जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी अब होंगे फ्री में। देखिए इस वीडियो में। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आर ए टी वी न्यूज़। जैसा कि बता दें, बीएमसी द्वारा भारतीय नगर ब्रिज के नीचे मुबारक टावर के बाजू में एक बीएमसी क्लिनिक खोला जा रहा है, जिसमें अशरफ आजमी जो कि कुर्ला के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उनकी काफ़ी मेहनत के बाद ये क्लिनिक खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये क्लिनिक ये महीने के आखिर तक के खोल दिया जाएगा, ऐसा अशरफ आजमी का दावा। अब देखने वाला विषय होगा कि ये क्लिनिक खुलता है कि नहीं खुलता, और कुर्ला के लोगों को जो 145 किस्म के ब्लड टेस्ट होते हैं वो फ्री में मिलेंगे, और दवाइयाँ जो होती है वो फ्री में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं अशरफ आजमी ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अशरफ आजमी, आज मैं खड़ा हूँ अक्सा मस्जिद के पास भारतीय नगर में ब्रिज के नीचे, जहाँ हमारी कोशिशों से पिछले दिनों हमने महानगर पालिका की तरफ से HBT यानी बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना बनाने का काम शुरू करवाया है महानगर पालिका की तरफ से। ये दवाखाना इस महीने के आखिर तक ये काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोनों टाइम पर आपको महानगर पालिका की तरफ से डॉक्टर्स मुफ्त मिलेंगे, उसके अलावा मेडिसिन यानी दवाइयां आपको फ्री मिलेंगी, और सुबह और शाम डॉक्टर देखेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो काम होगा वो होगा आपके 147 टाइप के ब्लड टेस्ट, यानी 147 टाइप के ब्लड टेस्ट यहां पर फ्री होंगे। इसका फायदा न सिर्फ हमारे वार्ड 165-167 के पूरे लोग, जैसे भारती नगर, लाल माटी, कपलाबाई चाल, मस्तरानी लेन, गाजी मियां दरगाह, LIG कॉलोनी, अचानक नगर, उसके अलावा अमन सोसाइटी, उसके अलावा रामबचन चौल, पाइप रोड का पूरा इलाका, गुरुदत्त नगर, कामगर नगर, बुद्ध कॉलोनी, मकड़वाला कंपाउंड, न्यू मिल रोड, यानी वो तमाम इलाके जो इस दोनों वार्ड में आते हैं, उसके अलावा और भी बाहर के लोग जो भी आ सकते हैं वो तमाम लोग इसका फायदा उठाएंगे। और ये दवाखाना दोनों वक्त चालू रहेगा, सुबह और शाम। जो प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद पिछले बहुत सालों से आप हमें दे रहे हैं वो आगे भी हमें मिलता रहेगा। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर ए टी वी न्यूज़। मैं फिर आज दूँगा एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।